हेलो एवरीवन, दिस इज गोविंद सर। वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 12, कंटिन्यूएशन ऑफ थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। एज यू कैन सी इन 10th स्टैंडर्ड, जिसने भी 10th स्टैंडर्ड की साइंस पढ़ी होगी, इफ यू आस्क देम व्हाट इज ओम्स लॉ, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे डोंट नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओम्स लॉ, बट दे आर अवेयर अबाउट इट कि ओम्स लॉ क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंस है उसका साइंस में 10th स्टैंडर्ड में। वैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज व्हेन यू कंसीडर, हूएवर स्टडीड 12th उसको व्हीटस्टोन ब्रिज पता ही होगा। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी आर हैविंग मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस एंड एप्लीकेशन ऑल्सो। सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज। सो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, व्हाट इज द यूज ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज? सो व्हीटस्टोन ब्रिज और समटाइम इट इज कंसीडर्ड एज अ व्हीटस्टोन नेटवर्क। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूटिलाइज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। सो बेसिकली इस सिस्टम में हम 4 रेजिस्टेंसेज यूज करेंगे। आउट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज 3 रेजिस्टेंसेज विल बी नोन एंड 1 विल बी अननोन। तो आपको क्या करना, थर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमाइन करनी है इन टर्म्स ऑफ 3 नोन रेजिस्टेंसेज एंड दैट टू क्विकली एंड एक्यूरेटली। सो वेरी क्विक मेथड होता है ये टू डिटरमाइन एंड टू गेट अ वेरी एक्यूरेट रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज वी आर गोइंग टू यूज टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क में एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क हो गया। जब मैंने ना सिमेट्रिकल और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब मैं डिराइव कर रहा था, उस टाइम पे कुछ नेटवर्क थे जहां पे मैंने बताया था कि दीज नेटवर्क कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग व्हीटस्टोन नेटवर्क आल्सो। तो पहले देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन नेटवर्क होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल टेक अ सिस्टम। हमने एक सिस्टम लिया, सिस्टम में आप ये 4 पॉइंट्स ले लो आप, ठीक है, और आपको इनके साइड्स पे 4 रेजिस्टेंसेज आप अरेंज कर दो। ठीक है, सो क्वारी लेटरल वी विल टेक एंड वी विल अरेंज 4 रेजिस्टेंसेज एट देयर साइड्स, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये किस तरह से एप्लीकेबल होगा, क्या होगा। ठीक है, तो दिस इज द नेटवर्क। ओके, नेटवर्क में ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस 1, दिस इज द सेकेंड रेजिस्टेंस, दिस वन इज द थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड दिस इज द फोर्थ रेजिस्टेंस। So you get this resistance ka name P, this resistance ka name Q, this is R and this is what? S. Then you need to connect power supply. So you will connect a power supply over here. Ye do end pe aap power supply connect kar do. So power supply is connected to these two end. So aapko ye positive terminal, negative terminal, then we will connect it to the T. Theek hai? Phir aapne other end pe isko connect kar diya. Okay. So this is the thing. अब इस सर्किट में हम एक एडिशनल फैक्टर और ऐड करते हैं, दैट इज गैल्वेनोमीटर। अभी गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर विल शो डिफ्लेक्शन विद देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, और अगर उस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तो गैल्वेनोमीटर पे लॉस हो रही है डिफ्लेक्शन। तो हमने क्या किया, यहां पे इन बिटवीन दीज टू पॉइंट ये हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर यहां पर आ जाएगा, दिस इज द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ये हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया। अब क्राइटेरिया क्या होता है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हीटस्टोन नेटवर्क, तो सबसे पहले आप समझ लो कि यहां पे ना पावर सप्लाई करंट फ्लो रहा है। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क कहना क्या चाहता है पहले वो देख लेते हैं। व्हीटस्टोन नेटवर्क के हिसाब से कि अगर मान लो कि यहां से करंट आई रिलीज होता है, दिस विल रिलीज करंट आई, उतना ही करंट क्या करेगा, अप्रोच करेगा, करंट विल रीच टू दिस प्लेस, ये करंट कैपिटल आई हो गया। ये करंट ना दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, आप मान लो इस ब्रांच में करंट आई वन है और इस ब्रांच में करंट क्या है, आई टू है। सो दे आर सेइंग कि जब ये करंट यहां पर पहुंचता है तो इट हैज अ पॉसिबिलिटी टू डिवाइड, तो करंट इस ब्रांच में डिवाइड होकर जा सकता है। सो करेक्ट, ये ब्रांच में, ये ब्रांच में, बट दे आर सेइंग कि अगर ना व्हीटस्टोन नेटवर्क बैलेंस है, बैलेंस इन द सेंस नो फ्लो ऑफ करंट इन दिस ब्रांच। तो आप ऐसे अजम्पशन ले लो कि अगर मान लो कि यहां पे करंट डिवाइड होता, करंट अगर डिवाइड होता तो इस ब्रांच में कौन सा करंट होता, आईजी होता, एंड व्हाट विल बी द करंट इन दिस ब्रांच अगर डिवाइड होता करंट, इफ देयर इज अ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर विद इज अ फ्लो ऑफ करंट। सो इस पॉइंट पे आके करंट विल डिवाइड इनटू टू पार्ट, सिंस इट इज पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग करंट एज आईजी होने ले गया। अब ये ब्रांच का करंट क्या होगा, I1 वन इज फ्लोइंग बट आउट ऑफ दैट आई जी इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन, I1 वन माइनस आई जी। नाउ वॉट इज हैपनिंग, दिस इज द करंट आई जी ओवर हियर, यहां पे करंट क्या होगा, I2 आ गया ये। नाउ दिस I2 टू एंड आई जी विल एड एंड विल गो टू दिस ब्रांच, इस ब्रांच में जो करंट फ्लो रहा है उसका क्या होगा वैल्यू, आई जी करंट आई टू करंट विल एड, इट्स आई टू प्लस आई जी करंट विल एड एंड विल फ्लो थ्रू दिस ब्रांच। ठीक है, अगर आपको ये जंक्शन के नाम देने हैं तो आप दे सकते हो कि ये पर्टिकुलर पॉइंट का नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, है ना, नॉर्मली होता है ना, हम जनरली पावर सप्लाई को ए बी के बीच में कनेक्ट करते हैं, इस पॉइंट का नाम सी दे दो, इस पॉइंट का नाम डी दे दो। तो व्हीटस्टोन नेटवर्क क्या कहता है कि अगर मान लो गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो रहा है इस केस में,
देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इनटू दिस ब्रांच. सो अकॉर्डिंग टू देम जो पी रेजिस्टेंस होगा और क्यू रेजिस्टेंस का रेशियो होगा, द रेजिस्टेंस ऑफ पी टू क्यू, रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस पी टू क्यू एंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस आर टू एस, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. ऐसा कब होगा, व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट इनटू दिस ब्रांच. गैल्वेनोमीटर वाले में से अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा तब, ठीक है. सो अब क्या होता है कि जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होगा ना, उस टाइम पे आप बोलेंगे नेटवर्क बैलेंस है. सो व्हेन आईजी विल बी जीरो, वी विल से नेटवर्क इज बैलेंस. बट अभी हम स्टार्टिंग में ऐसा इमेजिन करके चलते हैं कि ना नेटवर्क बैलेंस नहीं है. जब नेटवर्क बैलेंस नहीं होगा तो मतलब करंट गैल्वेनोमीटर से पास हो रहा होगा, ठीक है. अब क्या होता है कि अब हम इसमें ना अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स रूल. किरचॉफ्स रूल कैसे अप्लाई करोगे, तो किरचॉफ्स रूल के लिए वही हो गया, ये ट्रायंगुलर टाइप दिख रहा है तो ट्रायंगुलर शेप यहां पे बना लो आप, बराबर. अब आपको क्या करना, हाई एंड लो पोटेंशियल का आपको डिफाइन करना, तो यू कैन. तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पे, ये हाई पोटेंशियल का, मैं थोड़ा सा दूर दूर लगा देता हूं, ये क्या होगा, ये लो पोटेंशियल का, बराबर. अब अगर मैं यहां पे कंसीडर करूं तो ये क्या होगा, ये हाई पोटेंशियल का करंट एंटर हो रहा है ना. गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस विल बी कैपिटल जी. तो रेजिस्टेंस के अगर रेजिस्टेंस पे एंटर कर रहा है, जहां पे एंटर करेगा वहां हाई पोटेंशियल, जहां से लीव करेगा वो लो पोटेंशियल. यहां पे गैल्वेनोमीटर एंटर कर रहा है तो हाई पोटेंशियल, यहां से लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल. सिमिलरली ये ब्रांच में देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये पार्ट पे करंट एंटर कर रहा है ये ब्रांच का, तो ये हाई पोटेंशियल एंड दिस ब्रांच से करंट इज लीविंग, तो ये लो पोटेंशियल, ठीक है. अब आ जाते हैं हम ये वाले ब्रांच पे, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, हाई पोटेंशियल एंड दिस पॉइंट इज व्हाट, लो पोटेंशियल. सिमिलरली यहां पे करंट एंटर कर रहा है तो ये हाई पोटेंशियल, इस पॉइंट पे करंट लीव कर रहा है तो ये लो पोटेंशियल. सो वी गॉट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल फॉर ईच एंड एवरी क्वांटिटी. अब क्या करना, अब हमारा लूप लेना हमको, तो देखो लूप कैसे भी ले सकते हो, तो चलो ठीक है, मैंने ना लूप लेना है तो यहाँ पे कोई पावर सप्लाई दिख नहीं रहा है. व्हेन देयर इज नो पावर सप्लाई यू कैन टेक द लूप इन एनी डायरेक्शन, वो चॉइस आपके. नॉर्मली हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू स्टैंड वेरी क्लोज टू पावर सप्लाई. सो पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की तरफ मूव करते थे. व्हेन वी यूज्ड टू मूव टुवर्ड्स नेगेटिव तो उस डायरेक्शन में एरो लेते थे. यहाँ पे एरो हम किसी भी डायरेक्शन में ले लेते हैं. चलो ठीक है, हमने डिसाइड किया कि क्लॉकवाइज ले लेते हैं. क्लॉकवाइज इन द सेंस वी विल गो लाइक दिस, ठीक है. तो कौन सा लूप है जिसमें हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने लिया है इन लूप, ठीक है. इन लूप कौन सा लूप हो गया, ए सी डी ए लूप, ए सी डी ए लूप हमने लिया. अब इसमें जो पहला वाला ब्रांच है, ये ब्रांच में देखो, ये ब्रांच. सो अगर आप ऐसे जा रहे हो ना एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज आपने ये ले लिया है डायरेक्शन ऑफ लूप, तो हम ऐसे मूव करके देखेंगे. तो अभी आप अगर ऐसे जा रहे हो, आपने क्या गोइंग इन दिस डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लूप, तो आप जा रहे हो कहां से, हाई पोटेंशियल, या हाई पोटेंशियल टू आप जा रहे हो लो पोटेंशियल. तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो पहला वैल्यू तो पॉजिटिव साइन की जरूरत नहीं है. तो आई वन करंट है, कौन सा रेजिस्टेंस है, पी रेजिस्टेंस है. अब जो दूसरा क्या हो गया, ये ब्रांच हो गया. इन दिस ब्रांच व्हाट इज द करंट आई जी एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम कैपिटल जी लेंगे इस केस में. और ये कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू लूप का डायरेक्शन. तो अब ये लूप यहां पर इस साइड जा रहा है, तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल तो क्या होगा, प्लस होगा. तो प्लस के लिए करंट क्या है उस ब्रांच में, आई जी है एंड रेजिस्टेंस विल बी कैपिटल जी, ओके. अब हम आ जाते हैं इस ब्रांच में, तो अब ऐसे क्लॉकवाइज के हिसाब से आप ऐसे जाना पड़ेगा. अब व्हेन यू आर गोइंग अप इट्स लो टू हाई पोटेंशियल, तो क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा. तो करंट का वैल्यू क्या है, आई टू है. रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, आर टू है. ये होगा आई टू एंड रेजिस्टेंस वैल्यू आर है, ये होगा जीरो, बिकॉज देयर इज नो पावर सप्लाई. ये यहां साइड में जितने भी है वो कंप्लीट हो गया, इक्वल टू जीरो. अब क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो आप मान लो कि नेटवर्क बैलेंस है, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड, ठीक है, व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड. सो नेटवर्क बैलेंस होगा तो क्या होगा, व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड, नेटवर्क बैलेंस होगा तो करंट इन द गैल्वेनोमीटर विल बी जीरो. अगर करंट गैल्वेनोमीटर में जीरो होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी. विद दिस वैल्यू जीरो, देन इट विल मल्टीप्लाई विद दिस वैल्यू इज ऑल्सो जीरो, तो व्हाट विल बी लेफ्ट, आई वन पी माइनस आई टू आर इक्वल टू जीरो. तो देयरफॉर आई वन पी माइनस आई टू आर इज इक्वल टू जीरो. अब इसको आप इक्वेट करो, यू टेक द नेगेटिव वैल्यू दैट साइड, तो क्या होगा, ये आई टू इंटू कैपिटल आर, ये होगा आपका इक्वेशन नंबर वन. नाउ वी गॉट इन्फॉर्मेशन ऑफ द वन लूप, नाउ वी ट्राई फॉर द सेकेंड लूप. सेकेंड लूप के लिए भी आप उसी पैटर्न में लूप बना लो आप, ठीक है. ट्राइंगुलर शेप है तो ट्राइंगुलर शेप में बना दे आपने उसके पैटर्न से. अब इसमें भी जैसे कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको भी ले लो आप क्लॉकवाइज पैटर्न में ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है. अब क्लॉकवाइज पैटर्न में ले लिया हमने, तो लूप का नाम क्या है, सी बी डी एंड सी. सो इन लूप कौन सा लूप होगा, इन लूप सी बी डी बी, ठीक है, सॉरी सी बी डी सी, ये लूप का नाम हो गया. तो अब हम इस ब्रांच में देखते हैं, सो यू आर गोइंग क्लॉकवाइज अगेन इन दिस वे.
तो अगर आप ऐसे जा रहे हो तो ये हाई टू लो होगा। हाई टू लो मतलब क्या हो गया पहले, हाई टू लो, हाई टू लो का मतलब माइनस साइन, माना ये होगा माइनस ऑफ आई वन, ठीक है, और एक होगा माइनस आई जी इंटू क्या हो गया कैपिटल क्यू। अब ये जो ब्रांच में देखो, इस ब्रांच में कहा जा रहे हो लो टू हाई जा रहे हो, ये लो टू हाई, लो टू हाई मतलब क्या हो जाएगा प्लस, करंट की वैल्यू क्या है आई टू प्लस आई जी, करेक्ट, एंड वॉट द रेजिस्टेंस का वैल्यू दैट इज एस। देन द नेक्स्ट वन विल गोइंग लाइक दिस, ये क्या होगा लो टू हाई, लो टू हाई, लो टू हाई मतलब क्या होगा प्लस हो गया, करंट का वैल्यू क्या है आई जी है एंड द रेजिस्टेंस का वैल्यू जी, सो डॉट आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होता है कि व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड, सो व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड, सो व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड, अगर नेटवर्क बैलेंस होगा तो क्या होगा, व्हेन नेटवर्क इज बैलेंस्ड देन आई जी विल बी जीरो, व्हेन आई जी जीरो दैट टाइम यू सी, अगर आई जी जीरो होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो देखो यहां पे आई जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो ये आई टू इंटू एस बचेगा सर, यहां पे आई जी का वैल्यू जीरो होगा और ये कैपिटल जी, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यहां पे सिर्फ ये वैल्यू जीरो होगा, यहां पे आई जी का जीरो हुआ तो ये वैल्यू, फाइनली क्या मिलेगा हमको माइनस मिलेगा, ये आई वन इंटू क्यू है, ठीक है, प्लस मिलेगा ये क्या हो गया आई टू इंटू एस है इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वैल्यू जीरो हो गई है। अब क्या होता है हम इसको बैलेंस करेंगे, मतलब एक इक्वेशन को इस साइड एक को इधर ले लो, तो ये क्या है आई वन, चलो ठीक है, ये होगा आई टू एस इज इक्वल टू क्या होगा आई वन क्यू, ठीक है, यहां पे आई वन लेफ्ट हैंड साइड में तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेते हैं, आई वन क्यू इज इक्वल टू क्या होगा आई टू एस। अब अगर चाहिए होता कि मतलब ये शिफ्ट नहीं करना होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज ले लिए होते, कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट वी आर अंडरस्टैंडिंग हाउ आर वी इंप्लीमेंटिंग किरचॉफ लॉ टू दिस वन। अब क्या क्राइटेरिया है, नाउ यू डिवाइड इक्वेशन वन विद टू, सो इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर टू, एंड व्हाट डू वी गेट, वी गेट आई वन पी अपॉन आई वन क्यू, करेक्ट, लेफ्ट हैंड साइड, देन इज इक्वल टू आई टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय आई टू एस, सो आई टू कैंसल, आई वन कैंसल, एंड फाइनली व्हाट डू वी गेट पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो देख लो आप, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, यही फॉर्मूला था। सो बेसिकली इसको आप फ्लिप करना चाहते हो तो यू कैन डू ना, यू कैन एक्सचेंज द पोजीशन ऑफ पी एंड दिस क्यू एंड आर, पी आर क्यू अपॉन एस, ऐसे भी चलेगा। सो वेदर द रेशियो पी टू क्यू इक्वल टू आर टू एस और रेशियो ऑफ पी टू आर इक्वल टू क्यू टू एस, अगर ऐसा होता है तो नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड नेटवर्क, और स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको फोर रेजिस्टेंसेस होंगे, एंड व्हाट इज द स्टेटमेंट व्हीटस्टोन, बेसिकली अगर आपको एक्सप्लेन करना तो हाउ विल यू एक्सप्लेन, सो व्हीटस्टोन नेटवर्क इज अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टर्स और फोर रेजिस्टेंसेस, एंड आउट ऑफ दैट वन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस, आउट ऑफ फोर रेजिस्टेंसेस वन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ रिमेनिंग थ्री रेजिस्टेंसेस। तो बाकी तीन रेजिस्टेंसेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर लेंगे वेरी इजिली, लाइक पी क्वेश्चन मार्क होगा। अच्छा, अब इसको समझने के लिए एक और चीज देख लो, आपको क्या करना है, ऐसा नेटवर्क होगा तो अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट इक्वल टू लोअर लेफ्ट अपॉन लोअर राइट, आप ऐसे कर सकते हो, अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट इक्वल टू लोअर लेफ्ट अपॉन लोअर राइट, है ना, सो ये अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट फिर लोअर लेफ्ट अपॉन लोअर राइट, आप किस पैटर्न को याद रखोगे तो बहुत बेहतर है आपके लिए। ऐसा कंपल्सरी नहीं कि नेटवर्क हमेशा ऐसे ही होगा, नेटवर्क ना अपना स्ट्रक्चर चेंज करता रहता है, हाँ, बट क्या होता है ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल ये रेजिस्टेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं, ये रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, मान लो यहां पे आपने ऐसे कन्वर्ट किया है, ये क्या है, ये है पी और यहां पे नेटवर्क में ये क्या है क्यू है, और फिर यहां पे हमने क्या लिया है आर लिया हुआ है, दिस साइड वी हैव टेकन व्हाट एस, इट्स कनेक्टेड लाइक दिस, ठीक है, यहां पे ये पॉइंट ए की तरफ बिहेव करेगा, दिस विल एक्ट एज अ पॉइंट बी, और यहां पे आपने क्या किया गैलोरीमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी, तो विस्टो नेटवर्क कैन अपीयर लाइक दिस ऑल्सो। सो ये क्या होगा, स्ट्रक्चर बदल जाएगा बट द मोटो एंड ऑल विल रिमेन सेम, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा। सो एक और चीज होता है आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि व्हीटस्टोन नेटवर्क में यहां पे गैल्वेनोमीटर है, यहां पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहां पर हमने रेजिस्टेंस लिया ऐसे, ठीक है, ये हमने रेजिस्टेंस ले लिया इस तरीके से नेटवर्क में, ये हो गया रेजिस्टेंसेस, ये रेजिस्टेंस आर वन है, ये रेजिस्टेंस आर टू है, दिस आर रेजिस्टेंस आर थ्री, दिस आर रेजिस्टेंस आर फोर एंड दिस व्हाट आर फाइव। अगर आप इमेजिन करो कि ये नेटवर्क में किस क्राइटेरिया को फॉलो करता है, मतलब आर वन अपॉन आर टू का रेशियो इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर का रेशियो, आर थ्री अपॉन आर फोर दैट रेशियो, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये आर फाइव का कोई मतलब नहीं है बिकॉज करंट विल नॉट फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस और ये नेटवर्क बैलेंस होगा। तो ये जो अपर टू रेजिस्टेंसेस ये सीरीज में होंगे, लोअर टू रेजिस्टेंसेस सीरीज में होंगे और ओवरऑल क्या होंगे पैरेलल होंगे, लाइक पी और क्यू विल बी इन सीरीज, आर एंड एस विल बी इन सीरीज एंड ओवरऑल इट विल बी व्हाट पैरेलल। सो व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्विवेलेंट अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे फॉर द व्हीटस्टोन नेटवर्क एंड विल सी व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द गिवन नेटवर्क। I was supposed to do during equivalent resistance and all for the different circuits, but उस टाइम पर हमने नहीं किया because we were not very sure about Wheatstone network. So अभी हमने Wheatstone network कर लिया। पहला क्राइटेरिया Wheatstone network का अपर लेफ्ट टू अपर राइट का जो रेजिस्टेंस उसका रेशियो ले लो अपॉन इक्वल टू लोअर लेफ्ट अपॉन लोअर राइट, इफ दोज रेशियोज आर इक्वल देन यू कैन से नेटवर्क इज बैलेंस, नेटवर्क बैलेंस होगा तो जो सेंटर ये जो है पर्टिकुलर रेजिस्टेंस उसको आप क्या करोगे एलिमिनेट कर देते हो। As you can see, I have taken six circuit diagrams. 1, 2, 3, 4. Oh yeah, this is the fourth, and this is the fifth, and this is sixth. I need you to find the equivalent resistance in each case. So, एक और point मैं बता देता हूँ कि अगर कभी भी अगर आप Wheatstone network check कर रहा है, मतलब when you are not very sure कि Wheatstone network लगाऊँ या ना लगाऊँ, तो उसके ना कुछ conditions है कि आप ना पहले वो notice करो, वैसे conditions है क्या? The first thing, आपको ना सर्किट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा। दूसरा, इफ देर आर फाइव रेजिस्टेंस और सिक्स रेजिस्टेंस या कॉम्प्लिकेशन और भी ज्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है ना कहीं पे भी फोर रेजिस्टेंस टाइप का कुछ बन रहा है पेयर, तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फोर और फाइव रेजिस्टेंस का पेयर बन रहा है तो देन यू कैन सी कि उसमें शायद Wheatstone नेटवर्क लग सकता है। तो जैसे अभी एक ही पॉइंट देख रहा हूं, मान लो यहां से करंट फ्लो हो रहा है, जैसे करंट डिवाइड होता है दो ब्रांच में और उस दो ब्रांच में रेजिस्टेंस है, फिर आगे आके वो मिलते हैं कहीं पे, फिर बीच में कोई रेजिस्टेंस किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो सर्कुलर फॉर्म में हो, ठीक है, वो ट्रायंगुलर फॉर्म में हो, वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर करंट दो ब्रांच में डिवाइड होता है तो आपको समझ लेना है, और उस दो ब्रांच में रेजिस्टेंस है, आगे जाके वो दो रेजिस्टेंस और कहीं मिल रहे हैं कुछ हो रहा है और बीच में कोई रेजिस्टेंस है, तो आप समझ लो कि वहां पे आपको थोड़ा सस्पिशियस होने की जरूरत है। अब एक और चीज है, हो सकता है इसमें एक ब्रांच और हो, ठीक है, तो आप ये दो ब्रांच पे नोटिस करो, फिर बाद में इन दो ब्रांच पे नोटिस करो। सिमिलरली अगर ये सर्कुलर टाइप में है तो अपर टू ब्रांच पे नोटिस करो, फिर लोअर टू ब्रांच पे नोटिस करो। अगर ऐसे टाइप का है तो ये दो ब्रांच हो गए, अपर टू ब्रांच पे नोटिस करो, फिर लोअर टू ब्रांच पे नोटिस करो। तो यू हैव टू बी सस्पिशियस इन सच केसेस, अगर आपको कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है तो। सो अब एक और जो पर्टिकुलर पॉइंट है जो हमने अब तक डिस्कस किया था कि जो हम वायर में पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसको हम जीरो लेंगे, कि लाइक जैसे कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहां पे आपने पावर सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर मान लो ये V है तो हमने इस साइड पे V ले लिया, इस साइड पे जीरो ले लिया, तो यहां से V होगा, ये जब तक वायर है तब तक पोटेंशियल ड्रॉप को हम जीरो लेंगे। रेजिस्टर के पहले का जो जंक्शन है वहां पे हम उस पोटेंशियल को असाइन कर देंगे, तो रजिस्टर के बिफोर एंड आफ्टर जो जंक्शन होगा या जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल चाहिए, वैसे उसको जंक्शन नहीं बोल सकते बट यू कंसिडर एज अ पॉइंट, दैट विल बी बेटर। सो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, Wheatstone नेटवर्क में क्राइटेरिया क्या होगा, फिर जब आप प्लॉट करोगे यू टेक द पॉइंट वी, यू टेक द पॉइंट जीरो, फिर आप ना एक्स यहां पे लोगे और पॉइंट वाई यहां पे लोगे, यू विल टेक इट लाइक दिस, आप इस फॉर्मेट को ही फॉलो करोगे, देन विल सी कि हमें क्या मिलता है। Wheatstone नेटवर्क में ये क्राइटेरिया है, ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में, अच्छा क्वेश्चन वन एंड टू में क्या होगा, ईच रेजिस्टेंस की वैल्यू विल बी आर, अभी मैंने आर वन आर टू के टर्म में ले लिया, कोई इशू नहीं है। तो मैंने क्या किया, यहां पे ए पे मैंने वी पोटेंशियल दे दिया, बी पे मैंने जीरो पोटेंशियल दे दिया, तो ये जस्ट वायर है ये पार्ट, यहां पे भी V पोटेंशियल होगा और यहां पे भी जस्ट वायर है ये पार्ट, तो ये जीरो पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये जब इधर से जाएगा तो रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे ड्रॉप, यहां पे भी रेजिस्टेंस पोटेंशियल पे ड्रॉप, तो ये पोटेंशियल भी यही इधर रहेगा। जीरो को भी देखेंगे आगे ये नहीं जा सकता क्योंकि इधर से पोटेंशियल, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा तब जीरो मिला रहेगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ रहेगा तब जीरो मिला रहेगा, तो ये पॉइंट पे जीरो और इस पॉइंट पे जीरो होने का कोई चांस ही नहीं है। अब क्या करते हैं, हमको दो पॉइंट, अब देखते हैं कौन से दो जंक्शन बाकी रह गए, ये दो जंक्शन बाकी रहेंगे, तो हमने एक जंक्शन को एक्स ले लिया, दूसरे जंक्शन को वाई ले लिया, गॉट इट। अब उसको प्लॉट करके देखते हैं,
तो जैसे रूल के हिसाब से हमने ले लिया यहाँ पे वी ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया हमने एक्स ले लिया। अच्छा वी पॉइंट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू पॉइंट ए एंड जो एक्स पॉइंट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू पॉइंट बी। अब क्या सॉरी ये एक्स ले लिया मैं जीरो बोल रहा हूँ, वी एंड जीरो लेना है। सो अभी एक्स एंड वाई हमें इंडिकेट करना है तो हमने एक्स को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया, वाई को भी इंडिकेटिंग है बिल्कुल सिंप्लीफाई। तो अभी देखो यहाँ पे V और X के बीच में R वन रेजिस्टेंस के बीच में, V और X के बीच में, तो पॉइंट V और X के बीच में रेजिस्टेंस R वन गॉट इट। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं दूसरा पॉइंट लेते हैं सेकंड वन, सेकंड क्या है V टू R टू, R टू किसके बीच में V और Y के बीच में, V और Y के बीच में R टू, V और Y के बीच में R टू ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं R थ्री, जीरो और X के बीच में, R थ्री इज बिटवीन जीरो एंड X, तो ये हो गया R थ्री। एंड देन वॉट एम आई गोइंग टू टेक आर फोर, आर फोर अच्छा ये आर फाइव है, आर फोर ये आर फोर, आर फोर कहां पे जीरो और वाई के बीच में, तो ये जीरो है और ये वाई है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे आर फोर ले लिया ठीक है। फिर नेक्स्ट वन क्या लेना आपको बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई के बीच में क्या मिला हमको, एक्स एंड वाई के बीच में हमको मिल रहा है वैल्यू एस आर फाइव। सो एस वी सेड कि हमको पहले रेशियो निकाला ना, अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट, अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट इज इक्वल टू लोअर लेफ्ट अपॉन लोअर राइट करेक्ट। तो अगर आप वैल्यूज ले रहे हो तो ये R अपॉन R होगा ना, ईच रेजिस्टेंस R, तो ये क्या हो जाएगा वन इक्वल टू वन, वन इज टू वन मतलब वन दोनों का आएगा वैल्यू वन वन। इट्स मीन दैट दिस नेटवर्क इज बैलेंस्ड, ये नेटवर्क बैलेंस्ड है तो मैं विस्टो नेटवर्क का कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकता हूँ। विस्टो नेटवर्क फॉलो करने का मतलब ये रेजिस्टेंस आपको क्या करना है एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो व्हाट विल बी द डायग्राम नाउ, अब इसका मतलब होगा आर वन एंड आर थ्री आर इन सीरीज करेक्ट। सो यू विल मेंशन आर वन एंड आर थ्री आर इन सीरीज, आर वन आर थ्री सीरीज में हो गए तो वैल्यू क्या होगा इट विल बी आर एस वन दैट इज वॉट आर वन प्लस आर थ्री, व्हाट्स द वैल्यू फॉर आर वन दैट्स आर, आर थ्री इज ऑल्सो आर एंड दैट टोटल वैल्यू विल बी वॉट टू आर ठीक है। अब दूसरा ब्रांच ले लेते हैं, दूसरे ब्रांच में क्या है सिमिलरली क्योंकि वो भी सीरीज में ही है ना, तो आपने ले लिया आर एस टू दैट इज वॉट आर टू प्लस आर फोर विच इज अगेन आर प्लस आर दैट विल बी वॉट टू आर। चलो ठीक है लिख देता हूं मैं R प्लस आर इज इक्वल टू टू आर। तो अब अगर ये डायग्राम कैसे मॉडिफाई होगा, व्हाट विल बी द पैटर्न ऑफ डायग्राम नाउ, ये हो गया आपका दिस इज व्हाट आर एस वन सेकेंड ब्रांच, दिस इज व्हाट आर एस टू, नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सो पैरेलल का रूल क्या है एज पर वी नो, अच्छा आर एस वन का वैल्यू हो गया टू आर, आर एस टू का वैल्यू भी हो जाएगा टू आर ठीक है। अब क्या करते हैं उसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपको मिलेगा आरपी, आरपी का होगा फर्स्ट रेजिस्टेंस इनटू सेकेंड रेजिस्टेंस अपॉन फर्स्ट रेजिस्टेंस प्लस सेकेंड रेजिस्टेंस, तो दिस व्हाट टू आर इनटू टू आर अपॉन टू आर प्लस टू आर एंड व्हाट डू वी गेट फोर आर स्क्वायर अपॉन फोर आर, आर विल कैंसिल विद आर, फोर विल कैंसिल विद फोर एंड दिस व्हाट फाइनली आर। सो एक और पॉइंट आप नोटिस कर सकते हो कि अगर सारे साइड्स पे आर होगा तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या होगा आर होगा, अगर सारे साइड्स पे अगर 5 ओम रेजिस्टेंस होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी 5 ओम होगा, सारे साइड्स पे अगर अगर 10 ओम है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी क्या होगा 10 ओम होगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम को मैं एलिमिनेट कर देता हूं यहां से। अब हम आ जाते हैं सेकेंड डायग्राम पे, सेकेंड डायग्राम को अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो यहां पे क्या होगा किसके बीच में निकालना हमको एंड ए और बी के बीच में निकालना। तो अब क्या होता है ना कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना यहां पे देखो ये टू मैं यहां से रब कर देता हूं ठीक है। आप इमेजिन कर लो ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है, सो आपने ए लिया या बी लिया, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी ले लेता हूं मैं ठीक है। तो सी डी को मैंने वैसे रहने दिया, ये जो पर्टिकुलर ब्रांच है ये ब्रांच है ना, इसको मैं रीअरेंज करता हूं, हाउ विल लाइक हाउ आर वी गोइंग टू रीअरेंज, आप इमेजिन करो उस ब्रांच को अगर आप बाहर ऐसे ना इसको ऐसे ये ऐसा शेप है ना इसको आप ऐसे फोल्ड करते हो व्हेन यू विल टेक इट आउट तो ये ऐसा हो सकता है इट कैन बी लाइक दिस करेक्ट। तो ये R1 यहां पर आ जाएगा और R2 यहां पर आ जाएगा एंड दिस वॉट टर्मिनल A और इस पर्टिकुलर पार्ट को हमने क्या कर दिया रब कर दिया। सो अभी आप डीपली ऑब्जर्व करके देखो क्या मिल रहा है आपको, फिर ऑब्जर्व डीपली यू विल फाइंड आउट ये आपका क्वेश्चन नंबर यहां से करेंट एंटर हो रहा है दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है करेक्ट और R1 अपॉन R3 आपको एग्जैक्टली वही डायग्राम मिलेगा, ये डायग्राम यहां पे मिल गया। अब बाकी सिंप्लीफिकेशन सेम टू सेम, आर वन आर थ्री इन सीरीज आर एस वन हो जाएगा, आर टू आर फोर इन सीरीज आर एस टू हो जाएगा, देन आर एस वन एंड आर एस टू आर इन पैरेलल, तो दैट विल बी आरपी एंड रिजल्टेंट विल बी आर।
we got second diagram also. So just we are understanding how to simplify different diagram in terms of a stone network. ठीक है, अब देख लेते हैं यहां पे क्या होता है इस केस में. अच्छा, इस केस को सॉल्व करने से पहले ना मैं पहले फिफ्थ वाला सॉल्व करूंगा. फिफ्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और प्लस क्या है फिफ्थ वन, क्योंकि ये थोड़े से ना इस कंपेयर में डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़ा लॉजिक यहाँ पे चेंज हो रहा है. थर्ड फोर्थ एंड ये सिक्स में लॉजिक अलग होगा, फिफ्थ का लॉजिक पहले वाले से थोड़ा कनेक्टेड है. तो विल सी, तो ये हमने ले लिया यहाँ पे फिफ्थ वन. फिफ्थ वन में क्या क्राइटेरिया, फिफ्थ वन में वैल्यूज दिया हुआ है तो हम वैल्यूज के हिसाब से ले लेते हैं. तो सबसे पहले ना आप देखो ये ए टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या होगा, वी होगा. ठीक है, अच्छा ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, सॉरी मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे हो रहा है. ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, ये वी है, ये पॉइंट आपने जीरो ले लिया. तो ये वायर है तो यहाँ पे क्या ड्रॉप नहीं होगा, तो ये वी रहेगा. यहाँ पर रेजिस्टेंस देयर विल बी ड्रॉप इन दिस केस, पोटेंशियल ड्रॉप, ये पर्टिकुलर पार्ट पे नहीं होगा, बट वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, वी हो जाएगा. करेक्ट, ये जीरो है, यहां पर जीरो होगा क्योंकि जस्ट अ वायर, यहां पर भी जीरो होगा, जस्ट अ वायर. अब ये कॉर्नर पे भी वैल्यू जीरो ही होगा क्योंकि इट्स ऑल्सो जस्ट अ वायर. अब हमें क्या हो गया, हमें हर जंक्शन का, ये जंक्शन का पता, ये जंक्शन का पता, दिस जंक्शन, दिस जंक्शन, इस कॉर्नर का पता चल गया. सिर्फ टू पॉइंट्स का नहीं पता, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, ये पॉइंट को आप एक्स ले लो, इस पॉइंट को आप वाई ले लो, ये सेम यहां पे वाई है तो यहां पर वाई होगा. अब देख लेते हैं हमारे क्या पॉइंट होगा, वी हो गया, जीरो हो गया, एक्स और वाई हो गया. तो चलो ठीक है, हमने पॉइंट्स ले लिए यहां पे, ये जैसे पॉइंट ए है, टर्मिनल ए, यहां पे हमने ले लिया वी. ठीक है, यहाँ पे क्या है, टर्मिनल बी है और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये जीरो ले लिया. तो लेट्स सी, पहले ये रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, किसके बीच में, वी और वाई के बीच में, तो वी और वाई, तो अच्छा ये हमने ले लिया यहाँ पे, ये एक्स ले लिया हमने, ये वाई ले लिया. वी और वाई के बीच में एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट ना, वी और वाई के बीच में कौन सा रेजिस्टेंस है, टू आर. तो वी और वाई के बीच में रेजिस्टेंस टू आर, ये हो गया टू आर. ठीक है, दिस इज डन. फिर दूसरा कौन सा रेजिस्टेंस है, V and X के बीच में, ये रेजिस्टेंस देखो V and X के बीच में, तो V and X के बीच में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, R है, दिस इज कैपिटल R, करेक्ट. अब हम आ जाते हैं X and Y के बीच में रेजिस्टेंस है, ये करेक्ट ना, तो X and Y वाला भी ड्रॉ कर लो आप, एक्स एंड वाई के बीच में रेजिस्टेंस R है, कोई बात नहीं. फिर ये रेजिस्टेंस देख लेते हैं किसके बीच में, X and 0 के बीच में है ना, X and 0 के बीच में है, X and 0 के बीच में है 2R, क्या बात है, एक्स एन जीरो के बीच में लिया 2R, got it? अब आगे बढ़ते, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ये वाला लास्ट, ये एक्स वाई एन जीरो के बीच में क्या 4R, वाई एन जीरो के बीच में 4R, ठीक है, ये हो गया 4R, ये हमारा एंड हो गया. बट फिर भी एक रेजिस्टेंस बाकी रह गया इसमें, वो कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस देख लो, ये क्या 2R है, किसके बीच में, वी एन जीरो के बीच में, तो V यहां पे है और जीरो यहां पे, या तो ऐसे बीच में से लेके ऐसे करके कर सकते हो, या तो इससे बेटर होगा नॉट टू बी एनी कंफ्यूजन, हमने ऐसे नीचे से ले लिया इसको. ठीक है, ये रेजिस्टेंस ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू है इसका 2R. अब सिंपलीफाई करके देखते हैं, तो सबसे पहले तो होता है मुझे चेक करना है कि ये व्हीटस्टोन नेटवर्क है या नहीं है. तो व्हीटस्टोन नेटवर्क वाला फॉर्मेट मुझे अपर वाले लग रहे, तो मैं क्या करूंगा, आर अपॉन 2R लिया मैंने, आर अपॉन 2R, अपर लेफ्ट अपॉन अपर राइट, लोअर लेफ्ट अपॉन लोअर राइट, तो ये कैंसिल हुआ 1/2 और ये भी कैंसिल हुआ 1/2, मतलब रेशियो इक्वल है. इट्स मीन वी कैन अप्लाई व्हीटस्टोन नेटवर्क, अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क में अप्लाई करोगे तो ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया, आर एंड 2R इन व्हाट, सीरीज, 2R एंड 4R आल्सो इन सीरीज. तो मैं ये डायग्राम यहां भी है, तो आप देखो आर एंड 2R आर इन सीरीज, तो आर एस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो तो वैल्यू आर एस वन होगा आर प्लस 2R, है ना. एक काम करता हूं मैं ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड. ठीक है, ये पूरा रफ कर देता हूं, आर एस वन आर एंड टू आर इन सीरीज अपर वाला, तो क्या होगा, आर प्लस 2R इज इक्वल टू व्हाट, 3R. देन आर एस टू क्या होगा, बिलो वाली वाली ना 2R एंड 4R, सो 2R एंड 4R इन सीरीज, तो टोटल वैल्यू क्या होगा, 6R. तो अब डायग्राम आपका कैसा हो जाएगा, ये डायग्राम आपका चेंज हो जाएगा, है ना. आपने इस डायग्राम को सिंप्लीफाई किया इस डायग्राम में, अब वहां से वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा, दिस वन यू सी, दिस इज व्हाट 3R, देन यू आर गेटिंग अनदर वन दैट इज व्हाट 6R, देन वी आर गेटिंग इट एज व्हाट 2R. लेट्स सी हमको क्या मिलता है, इसके बीच में निकालना है.
तो ये ऑल थ्री रेजिस्टेंसेज आर इन व्हाट पैरेलल. तो यू कैन मेंशन 3R, 6R एंड 2R आर इन पैरेलल. पैरेलल में तो क्या क्राइटेरिया होगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3R प्लस 1 अपॉन 6R प्लस 1 अपॉन 2R इज इक्वल टू, एलसीएम क्या हो जाएगा 6R, तो 3 2 होगा, ये 1 होगा और ये क्या होगा 3 होगा, तो 2 प्लस 3 प्लस 3 6 हो गया, तो 6 अपॉन 6R इट्स व्हाट 1 अपॉन R. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर RP, RP विल बी R ओम. तो आपको फिफ्थ वाला क्वेश्चन है उसका भी सोल्यूशन मिल गया. तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन को मैं यहां पे ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है. अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन 3 को करने से पहले आप एक चीज देखो कि जैसे करंट यहां से एंटर होगा, इट विल डिवाइड इन 3 ब्रांचेस, तो ये 3 ब्रांच में डिवाइड होगा, ठीक है. इस ब्रांच से डिवाइड होगा, इस ब्रांच से डिवाइड होगा, इस ब्रांच, मतलब ये यहां से एंटर होगा, ये 3 ब्रांच में डिवाइड होगा. तो हम क्या करते हैं, किसी अपर टू ब्रांच को भी नोटिस करते हैं, ये ब्रांच और ये ब्रांच को. तो व्हाट आर यू फाइंडिंग, कि एक हिसाब से देखो ना, तो ये हो गया अपर लेफ्ट और ये हो गया अपर राइट, करेक्ट. ये हो गया लोअर लेफ्ट, ये हो गया लोअर राइट, और ये इन बिटवीन ऑल आर रेजिस्टेंस. तो व्हाटस्टोन जैसा ही लग रहा है, तो पहले देख लेते हैं आर अपर टू आर का रेशियो. आर अपर टू आर का रेशियो क्या हो गया, और फिर टू आर और फोर आर का रेशियो, तो हो रहा है ना 1/2 1/2 दोनों साइड में, ये 1/2 ये 2 and 1/2. तो इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. समझ में आई बात. अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं. अगला पॉइंट क्या, अब ये जो रेजिस्टेंस है 2R है, ये 4R है, यहां से वो वाले आपको टू ब्रांच को छोड़ दो, ये टू लोअर टू ब्रांच को देखो, यहां से रेजिस्टेंस करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है, तो ये अपर लेफ्ट अपर राइट, लोअर लेफ्ट लोअर राइट, और ये इन बिटवीन वाला लग रहा है. तो देखो 2R अपन 4R का वैल्यू 1/2 है, R अपन 2R का वैल्यू 1/2 है, तो ये भी क्या होगा, विस्टो नेटवर्क का पार्ट होगा, इट विल बी लाइक दिस. तो अब ये नेटवर्क कैसा हो गया, R और 2R ऐड हो गया 3R होगा, 2R एंड 4R ऐड हो गया क्या होगा 6R होगा, और R प्लस 2R ऐड हो गया क्या होगा 3R होगा. तो मैं यहां पर लिख देता हूं, वो 3R हो गया, 6R हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 3R. तो अब ना मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, यहां पर डायरेक्टली क्या लिखूंगा, मैं उसका सोल्यूशन यहां पर डायरेक्टली लिख रहा हूं. वॉट विल बी द डायरेक्ट सोल्यूशन, ये रख कर देते हैं, ठीक है. डायरेक्ट सोल्यूशन क्या वो देख लेते हैं. तो यू कैन से 3R देन वॉट 6R एंड 3R आर इन पैरेलल. तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन 3R प्लस 1 अपॉन 6R प्लस 1 अपॉन 3R, गॉट इट. एलसीएम क्या होगा इसका, 6R होगा, तो दिस वॉट 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यू गॉट 5 अपॉन 6R. सो व्हाट इज द वैल्यू फॉर RP, RP का वैल्यू हो जाएगा 6R/5, ठीक है. हमारा मेन मोटो है नेटवर्क को सॉल्व करना, नथिंग एल्स. सो अब इस पर्टिकुलर पार्ट को हम रब कर देते हैं यहां पे, एंड इफ यू वांट टू रब दिस यू कैन रब दिस आल्सो, दैट्स नॉट इशू. अब हम आते हैं लास्ट, ये फोर्थ वाले पे. फोर्थ में क्या है कि करंट यहां से एंटर हो रहा है, अगेन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांच लाइक दिस. तो मैं अपर टू ब्रांच को ऑब्जर्व करता हूं, तो अपर टू ब्रांच में अगर मैं देखता हूं, तो ये हो गया अपर लेफ्ट अपर राइट, लोअर लेफ्ट लोअर राइट. तो ये क्या होगा, आर अपन टू आर 1/2 होगा, 2R अपन 4R वो भी 1/2, तो ये क्या होगा, ये रिमूव कर देंगे हम बराबर. अब लोअर ब्रांच में देखो आप, 2R 4R मतलब 1/2 R एंड 2R, ये भी 1/2, आप इसको भी रिमूव कर सकते हो. तो ये फाइनल सर्किट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू दिस फॉर्म. और पूरा सोल्यूशन सेम, सिर्फ यार डायग्राम को समझना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सोल्यूशन तो आपको मिल ही जाएगा, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड. अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है चलो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लें. वैसे इसका सोल्यूशन तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और क्या हो रहा है कि ये जो पर्टिकुलर नेटवर्क है इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो करंट फ्लो थ्रू पी क्यू, ये पी है और ये क्यू है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो उसको नेटवर्क से एलिमिनेट कर दो, कोई इशू नहीं. तो अब अगर आप नोटिस करोगे, तो व्हाट विल यू फाइंड आउट, ये दोनों फिर किसमें हो जाएंगे, सीरीज में. ये दोनों किसमें हो जाएंगे, सीरीज में. चलो ठीक है, तो देख लेते हैं. तो ये पॉइंट ए है, करेक्ट, और उसके दो ब्रांच निकले यहां पे,
अब वो रेजिस्टेंस होगा ऐसे और ये रेजिस्टेंस होगा ऐसे, तो ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 2R एंड दिस टू विल ऐड इट विल बी व्हाट 4R, गॉट इट। अब क्या होता है बीच में ये इज व्हाट R एंड देन यू आर हैविंग टू थिंग्स लाइक दिस साइड इज R एंड दिस साइड इज व्हाट 2R एंड दिस इज B, सो दिस वन वी आर सॉल्व है ना। मैं अभी इसको रिटली लिख देता हूं आर एस वन, तो ये आप निगलेक्ट कर दोगे, सो आर एस वन का वैल्यू विल बी 3R, देन यू हैव आर एस टू जिसकी वैल्यू क्या होगी 6R, सो देन व्हाट्स द वैल्यू फॉर आर पी, आर पी का वैल्यू हो जाएगा आर एस वन इंटू आर एस टू अपॉन आर एस वन प्लस आर एस टू, दैट इज व्हाट 3R इंटू 6R अपॉन 3R प्लस 6R, दैट इज व्हाट 18R स्क्वायर अपॉन 9R, R एंड R कैंसल 9 टू जब, सो फाइनली आर पी विल बी व्हाट 2R, दिस व्हाट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। आई होप व्हाट एवर वी डिड अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, आपको थोड़ा लॉजिक समझने की जरूरत है, वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक देन थिंग्स विल बी वेरी इजी। तो विट्सटो नेटवर्क में जस्ट आई हैव डिस्कस की विच काइंड हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर द विट्सटो नेटवर्क, आपके प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू अंडरस्टैंड, ये सर्किट डायग्राम का यही क्राइटेरिया है। आई होप व्हाटएवर वी एक्सप्लेन व्हाटएवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड, थैंक यू वेरी मच।